हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट करेंगे, तो नोटेशन जो हमारे पास है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के, दैट इज दी बिलो दी एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ दी वीपी। तो फोर्थ एंगल की अगर हम बात करें तो रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा हॉरिजेंटल प्लेन ये मिल गया और वर्टिकल प्लेन यहां से इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा फोर्थ एंगल है उसको हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज दी फर्स्ट एंगल, ठीक है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज दी थर्ड एंगल एंड दिस इज फाइनली फोर्थ एंगल। ठीक है, तो फोर्थ एंगल में हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन विथ रेफरेंस लाइन यहां से हमें मिलेंगे एक्स वाई, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं। तो जो हमारे पास नोटेशन होंगे, नोटेशन क्या होंगे, इस पॉइंट, अगर हमने पॉइंट बी ले लिया यहां पर, तो बिलो दी एचपी, ये बिलो दी एचपी, ठीक है, एंड क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो इसी को हम यहां पर लोकेट करने जा रहे हैं। और हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो एक सिंपल सा नोटेशन के तौर पर हम ले रहे हैं, पॉइंट डी इज 40 mm बिलो दी एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ दी वीपी। ठीक है, दिस इज अवर बेसिक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम कौन सा है हमारा, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का। तो फोर्थ एंगल या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको किस तरह से लोकेट करेंगे, 40 mm बिलो दी एचपी, यानी कि आपका हॉरिजेंटल प्लेन है। तो 40 mm बिलो दी एचपी हम देखेंगे कि ये 40 mm बिलो दी एचपी, ये हमने यहां पर इसको लोकेट कर दिया, दिस इज दी पॉइंट डी, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 40 mm बिलो दी एचपी। ठीक है, और कितने mm इन फ्रंट है, 20 mm इन फ्रंट, तो यहां आपसे हमने ये 20 mm इन फ्रंट की बात कर लेंगे, तो 20 mm इन फ्रंट, तो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से 20 mm इन फ्रंट है, ये इन फ्रंट की कंडीशन हो गई, इन फ्रंट दी वीपी एंड दिस इज दी बिलो दी एचपी। ठीक है, बिलो दी एचपी एंड इन फ्रंट दी वीपी, तो ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन में क्या बनेगा, इसका टॉप व्यू, और नेमिंग क्या होगी इसकी हमारी, डी है तो ओनली डी, और ये क्या होगा इसका टॉप व्यू, और जब हम फ्रंट से देखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका डी डैश, ये क्या होगा आपका फ्रंट व्यू, कहां पर बन रहा है ये, हॉरिजेंटल प्लेन में। और कांस्टेंट, जो कॉमन थिंग मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि जो हमें जो भी क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना होता है हमेशा कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने इसको लोकेट कर दिया है। ठीक है, अब लोकेट करने के बाद ये जो हमारा इन फ्रंट की कंडीशन है, इन फ्रंट की कितनी कंडीशन है हमारी, इन फ्रंट दी 20 mm, तो 20 mm कहां पर मिलेगा हमें, इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, यहां पर। ठीक है, और ये आपका रेफरेंस लाइन होगा, और 40 mm यहां के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 40 mm यहां के रिस्पेक्ट में ये मिल गया, 40 mm बिलो दी एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट दी वीपी। और कॉन्स्टेंट जो हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं, हम 90 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये 20 mm एंड 40 mm का, अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब हम इसको रोटेट करा देंगे तो ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, इसके मिडिल में। ठीक है, मिडिल में क्यों आएगा, क्योंकि ये 40 mm का डिस्टेंस है, और 40 mm के बीच में कितनी डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, 20 mm, और ये क्या होगा आपका पॉइंट डी। ठीक है, और ये क्या होगा इसका टॉप व्यू। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे कहां पर, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब फोर्थ एंगल और सेकेंड एंगल एक दोनों के इन्वर्स होते हैं, यानी कि फोर्थ एंगल में आपके रेफरेंस लाइन के बिलो आपको क्या मिलेगा, एचपी एंड वीपी दोनों मिलेगा, यानी कि रेफरेंस लाइन के बिलो आपको एचपी भी मिलेगा और वीपी भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू कहां पर आपके ड्रॉ होंगे, बिलो दी रेफरेंस लाइन। तो यहां से मैं सबसे पहले इन फ्रंट और बिलो दी एचपी की कंडीशन में लोकेट करने जा रहा हूं। तो कितने mm बिलो है, 40 mm बिलो। ठीक है, तो 40 mm बिलो यहां पर हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया है, दिस इज दी 40 mm बिलो, और ये जो 40 mm जो है आपका, ये पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, 40 mm बिलो की बात करें, दिस इज दी डी डैश। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, रेफरेंस लाइन से ही हमेशा हमें डिस्टेंस लेना है, दिस इज दी 40 mm।
ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि 20 mm की बात कर रहे हैं तो 20 mm कहां पर जाएगा आपका, 20 mm जाएगा ये जो हमारे वर्टिकल प्लेन में हमने, ओरिजेंटल प्लेन में जो हमने टॉप व्यू बनाया है, ये 20 mm का पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ओनली डी, और ये क्या है आपका टॉप व्यू। और जो टॉप व्यू बनता है वो कहां पर बनता है, हमेशा एचपी में, और ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हमेशा कहां बनता है, वर्टिकल प्लेन में। तो दिस इज द बेसिक स्मॉल साइन ऑफ इसका, जो हमारा 20 mm इन फ्रंट, तो 20 mm इन फ्रंट हमेशा कहां ड्रॉ होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड 40 mm बिलो कहां पर ड्रॉ हो रहा है हमारा, वर्टिकल प्लेन में। तो दिस इज द नोटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन जो आज हमने स्टडी की। थैंक यू।